हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटर चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिभा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला प्रश्न देखिए, 16 से 20 मई तक आयोजित होने वाली युविका 2022 का कार्यक्रम संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए, जो युविका 2022 है, इसमें क्या होता है कि हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 3-4 लोगों को चुना जाता है और इसरो में भेजा जाता है कुछ सिखाने के लिए इसरो में भेजा जाता है। तो ये इसरो का कार्यक्रम है युविका 2022। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 14 मार्च 2022 को सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के दौरान भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है। तो फ्रेंड देखिए, 14 मार्च 2022 को सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-2021 के दौरान भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन, तो वो फ्रेंड देखिए, वो अमेरिका देश है, जो कि 39% पूरे विश्व का ये 39% ये अमेरिका अपने हथियारों को सेल करता है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो फ्रेंड देखिए, फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ ये सुरेश अय्यर को चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है सुरेश अय्यर को फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में। आगे देखिए फ्रेंड, 14 मार्च 2022 को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे। तो देखिए फ्रेंड, जो 14 मार्च 2022 है, 14 मार्च 2022 दिनांक को एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई आयरन स्टील प्लांट और राउरकेला आयरन स्टील प्लांट। तो फ्रेंड देखिए, भिलाई आयरन स्टील प्लांट ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई आयरन स्टील प्लांट और जो राउरकेला आयरन स्टील प्लांट है वो है उड़ीसा में। तो जो छत्तीसगढ़ में भिलाई आयरन स्टील प्लांट है उसे रशिया के द्वारा बनाया गया, और जो ये उड़ीसा का राउरकेला आयरन स्टील प्लांट है वो जर्मनी के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड देखिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी ये इंद्रायणी मेडिसिटी जो कि पुणे के अंदर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे के अंदर स्थापित करने की घोषणा की गई है, भारत की पहली मेडिकल सिटी है। रेत समाधि उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड। तो फ्रेंड देखिए, रेत समाधि उपन्यास या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड लेखक या फिर लेखिका कौन है, तो इसके लेखक लेखिका कौन है, तो ये है गीतांजलि श्री। एम्स में एक जंग लड़ते हुए ये किसकी पुस्तक है, तो रोमेश पोखरियाल की पुस्तक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आई एम नो मसीहा पुस्तक किसका है। तो आई एम नो मसीहा पुस्तक ये सोनू सूद का है। आई एम नो मसीहा पुस्तक 14-15 मार्च 2022 को किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं का फैसला सुनाया। तो फिर देखिए, जो हिजाब विवाद हुआ था कर्नाटक में, उसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया कि हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं है। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा इसकी फैसला सुनाई गई। चर्चा में रहा कैडी वाइपर क्या है। तो फिर देखिए, जो कैडी वाइपर है वो मालवेयर सॉफ्टवेयर है, और जो फिर ये मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो बुरा सॉफ्टवेयर होता है कैडी वाइपर। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।